दोस्तों क्या आप जानते हैं कि असम की एक और महिला क्रिकेटर टीम इंडिया तक पहुंच चुकी है। जिंटीमोनी कोलिता के आईपीएल में सिलेक्शन और टीम इंडिया में सिलेक्शन होने के बाद अब एक और महिला क्रिकेटर असम की ओर से टीम इंडिया तक पहुंच चुकी है। टीम इंडिया की ओर से ये खिलाड़ी हांगकांग में जाकर इमर्जिंग एशिया कप में भाग भी ले रही है और उनका जो प्रदर्शन है वो भी बहुत ही अच्छा रहा है। असम की क्रिकेट के लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है कि असम की एक और महिला क्रिकेटर टीम इंडिया की दहलीज तक पहुंच चुकी है। आज हम असम की जिस महिला क्रिकेटर के बारे में आपको बताने वाले हैं वो जिंटीमोनी कोलिता के साथ वुमेन आईपीएल के ऑक्शन में जरूर शामिल थी, लेकिन वुमेन आईपीएल के दौरान सिर्फ जिंटीमोनी कोलिता को ही मुंबई इंडियंस ने खरीद लिया था। ये जो खिलाड़ी थी ये अनसोल्ड चली गई थी। यहाँ दोस्तों वो महिला खिलाड़ी का नाम है उमा छेत्री। उमा छेत्री असम के बोकाखाट नाम के एक छोटे शहर से बिलोंग करती है जो कि गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। असम के एक छोटे से शहर से निकलकर टीम इंडिया तक पहुंचने का ये सफर उमा छेत्री के लिए बेहद ही शानदार होगा। आपको बता दें कि उमा छेत्री इस वक्त हांगकांग में टीम इंडिया की ओर से इमर्जिंग एशिया कप खेल रही है। उमा छेत्री सिर्फ 20 साल की है लेकिन उनमें जो प्रतिभा है वो कूट कूट के भरा हुआ है। भारत की ओर से इस वक्त उमा छेत्री ओपनिंग कर रही है और साथ ही विकेट कीपिंग भी। इमर्जिंग एशिया कप 2023 में अब तक उमा छेत्री कुल 3 मुकाबले खेल चुके हैं जिनमें बांग्लादेश के खिलाफ 22 रन और हांगकांग के खिलाफ 16 रन बना चुकी हैं। और तीसरा जो मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ था उसमें उमा छेत्री को बल्लेबाजी करने का मौका मिला ही नहीं क्योंकि वो जो मैच था वो बारिश के चलते धुल गया था। दोस्तों असम के छोटे शहर से निकली हुई लड़कियां टीम इंडिया के सफर तय कर रही है, ये असम के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाली खबर है। हम उम्मीद करते हैं कि उमा छेत्री और साथ ही साथ जिंटीमोनी कोलिता एक न एक दिन इंडियन वुमेन सीनियर टीम के लिए भी चुनी जाएंगी और टीम इंडिया के लिए काफ़ी शानदार प्रदर्शन करती हुई हमें दिखाई देंगी।